ग्वालियर के एक किसान ने जमीनी विवाद के बाद पुलिस पर बेवजह परेशान और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित किसान परिवार का आरोप है कि पुलिस जबरिया हमारी जमीन पर किसी अन्य का कब्जा कराना चाहती है। ग्वालियर के थाना पुरानी छावनी क्षेत्र के सुसेरा कोठी गांव के किसान दिनेश राजपूत ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से थाना पुरानी छावनी पुलिस के द्वारा परेशान किए जाने को लेकर शिकायत की है। दिनेश का आरोप है कि कुछ समय पूर्व उसने सुसेरा गांव में एक जमीन खरीदी है। अब उस जमीन पर एक महिला अपनी दावेदारी कर रही है। महिला की दावेदारी के खिलाफ हमने न्यायालय की शरण ली है और अभी न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, लेकिन पुलिस लगातार हमें परेशान कर रही है और आए दिन हम पर दबाव बना रही है कि हम उक्त जमीन से अपना कब्जा छोड़ दें। वहीं किसान के आरोपों को निराधार बताते हुए थाना पुरानी छावनी पुलिस का कहना है कि दिनेश ने फर्जी तरीके से धोखाधड़ी कर फरियादी की जमीन पर कब्जा किया है। इशारा करें, स्विच ऑन कर देना। रोल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश राजपूत है, मैं सुसारा कोठी का रहने वाला हूँ। कुछ दिन पहले हमने घर लिया था, हम लोग उसमें काफ़ी सालों से रह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक महिला आके वहाँ पे बोलती है ये घर मेरे पति की संपत्ति है और वो वहाँ पे आके मतलब हक जताना चाह रही थी। हमने वो मामला कोर्ट में दर्ज कर दिया। अब पुलिस बार बार आके हमको धमकी दे रही है और यही सब परसों आए थे, परसों आके बोल रहे हैं कि ये घर आप 10 मिनट के अंदर खाली कर दो, हम आप पे डकैती का मामला, लूट का मामला लगा देंगे। कौन से कई साल हैं? सुधीर कुशवा, पुरानी छावनी थाना है। और बार बार मानसिक रूप से हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और हमें मतलब बहुत परेशान किया जा रहा है। कौन महिला है और कब कैसे महिला है? हम उसको जानते नहीं है, वो सागर की कहीं रहने वाली है और यहाँ का कोई उसका संपर्क नहीं है। पता नहीं क्यों कर रहे हैं पर और मतलब हमको ये उल्टी सीधी धाराएं लगाने की वारदात बोल रही है और साथ हमारे ऊपर कल उन्होंने कोई लूट का केस लगा भी दिया है। महिला का यहाँ कैसे क्या कॉन्टेक्ट था, कैसे आई है वो यहाँ पर? पता नहीं मतलब क्या सर, वो बोलती है मेरे पति की कुछ संपत्ति है और ऐसा उसका कुछ है नहीं। हमने कोर्ट में भी लगा दी है और हमने TI साहब को सबको बताया कि हमारा कोर्ट में मामला चल रहा है, उसके बावजूद भी TI हमारे घर पे बार बार आके हमको धमकी दी जा रही है कि आप घर खाली करो और हमारी मतलब लेडीज़ों के साथ मारपीट की जा रही है। घर पे आके बर्तन फेंके जा रहे हैं और बार बार मतलब आके नुकसान किया जा रहा है। कल कूलर पंखा सब फेंक दिया उन्होंने, मैंने वो वीडियो भी बनाई है, वो सारे मैं आपको दिखा दूँगा। अब मैं मीडिया के थ्रू, आप लोग के थ्रू मैं अपनी बात लाना चाहता हूँ, मैं न्याय पाना चाहता हूँ कि आप इस मतलब इससे हमें बचाएं। आप कैसे भी पुलिस परेशान कर रही है, पुलिस परेशान कर रही है और हम मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। दस्तावेज जी, महिला के साथ मारपीट की है, कल कपड़े फाड़े हैं और ऊपर से जीने से सीढ़ियों से खींचते हुए पुलिस लेके आई है। कहाँ का मामला, कहाँ रहते हैं? सुसारा कोठी गाँव है, पुरानी छावनी थाना है। आप क्या करते हैं? मैं खेती किसानी करते हैं। किसान है और हमें अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम आत्महत्या करने के, तो हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं। क्या पूरा मैटर है, कोई जमीन विवाद? ये सुसेरा में एक मकान है, उस मकान पे से विवाद है। एक वहाँ पर महिला रहती थी वृद्ध, उससे लगभग 3 साल पहले रघुवीर नाम के व्यक्ति ने एक अनुबंध पत्र करवाया था, लेकिन उस महिला का जो अंगूठा लगा था तो उस पर लिखा होना चाहिए था कि निशानी अंगूठा फला का, वो नाम अंकित नहीं था। दूसरी चीज़, जब 3 साल पहले इन्होंने करवाया था तो उसी समय पे उस पर कब्जा कर लेना चाहिए था। जब वो महिला मर गई, उसके मरने के बाद में ये लोग कब्जा करने के लिए वहाँ पर पहुँचे तो उनके परिवार वाले उस पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। पुलिस पर प्रत्यारोप आरोप लग रहे हैं? नहीं, पुलिस पर प्रत्यारोप आरोप तो दुनिया लगाती है। जब पुलिस सही कार्रवाई करती है तो उस पर दुनिया आरोप लगाती है। जो गलत करता है तो वो गलत कार्रवाई करता है। आप इसकी सत्यता कर लो वहाँ गाँव में जाके। ग्वालियर से सोमेश शर्मा की रिपोर्ट।